और बाइक की हालत देखो कैसी हो गई है। यहाँ से बहुत प्यारा सनसेट देखने को मिलता है। हेलो, कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत है एक मुसाफिर पे। आप सोचे होंगे कि ये गोवा में आया था, कह रहा था कि आपको पूरा गोवा घुमाऊंगा रेनी सीजन में, और अब क्या हो गया? तो इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि मैं यहाँ पे रहने लगा हूँ तो समझ नहीं आता कि क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ। और जब बरसात होती है तो केवल बरसात होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता गोवा में। तो आज बस गोवा के बारे में बताना है, साउथ के बारे में बताना है, थोड़ा सा कंपेयर करना है, वो मैं आपको घूमते घूमते बताऊँगा। और अभी मैं जाऊँगा बीच पे, लो टाइड है। और वो मुझे कैसे पता चलता है? ये जगह से जब ये नीचे का ज़मीन दिख रहा होता है रिवर का तो लो टाइड है, और जब आपका ये रिवर के अंदर जो पेड़ है वो वहाँ तक पानी आ जाता है तो समझो हाई टाइड है। और जब बरसात आता है तो बादल इन पहाड़ों से टकराते रहते हैं तो बहुत खूबसूरत होता है। तो मैं बस यहीं पे बैठा रहता हूँ और चिल कर तो गोवा के बारे में और यहाँ के आसपास के बारे में बताऊँगा। पर चलते चलते, और ये हमारा तका खा के आज तुन पड़ा, और ये लड़की के चक्कर में पिटकी आता है हमेशा। लड़की नहीं, सॉरी, बिल्ली के चक्कर में, ये बिल्लू ताका। आज तो मौसम बहुत प्यारा है, तो मैं पहले सोच रहा था कि सनसेट के लिए ऊपर जाऊंगा, बट फिर भी बादल बहुत है तो सनसेट का व्यू वहाँ से नहीं मिलेगा। पर उस जगह पे ज़रूर जाऊंगा जो मेरा फेवरेट स्पॉट है सनसेट के लिए। उसके बाद फिर कैरी बीच चलेंगे जो कि सबसे क्लीनेस्ट बीच है नॉर्थ गोवा का, और मेरे को सबसे प्यारा भी लगता है। तका तका बाबाए। ये तो हिलने का नहीं है, अपन चलते हैं। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से अपने फेवरेट स्पॉट के लिए जो कि है मेरा सनसेट स्पॉट। पर मैं आज आपको बताऊंगा गोवा के बारे में, थोड़ा साउथ के बारे में, और थोड़ा दिल्ली से कंपेयर करूंगा। क्योंकि जैसे दिल्ली में होता है कि हर मौसम वर्स्ट होता है हमारे लिए, विंटर है तो एक्सट्रीम विंटर है, और उसमें ऊपर से स्मोक बहुत होता है तो आप दिन में बाहर नहीं निकल सकते, पूरे पूरे दिन आपको सनलाइट के दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जैसी समर होता है तो पूरे दिन गर्मी और रात को भी लू, और जब दोनों मौसम मर्ज हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे इतना मच्छर होता है हद से ज़्यादा। और फिर रेनी सीजन में हर जगह सीवर का पानी, बस जाम, ट्रैफिक जाम और कुछ नहीं। तो यानी कि दिल्ली में जो बंदा रह लेता है वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी रह सकता है, अंटार्कटिका में भी और आपके अफ्रीका के सारा रेगिस्तान में भी। पर उसके बावजूद वो क्यों नहीं रह पाता, उसका रीज़न मुझे यहाँ पे पता चला है। हम जो खाना है जो हमारा, हम टेस्ट प्रेफर करते हैं ओवर हेल्थ के। तो आपको दिल्ली जैसा खाना कहीं नहीं मिलेगा, जो टेस्ट हम बना देते हैं ना, जो हमारे हाथों में जादू है, वो आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी गोवा में मेरे साथ वही हो रहा है, यहाँ के लोग सी फूड प्रेफर करते हैं, दूध दही लस्सी जो है और बाकी जो खाना है उसको इतना प्रेफर नहीं करते। और फिर टेस्ट भी इनका वो है कि कम स्पाइसी और हेल्दी फूड ज़्यादा है बट टेस्टी कम लगा मुझे। और जो हम तो दिल्ली वाले ठहरे, हमें चाहिए टेस्टी खाना, तो वो वाला चीज़ मिस कर रहा हूँ। और उसके लिए मुझे साउथ में पता चला है कि हैदराबाद ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सब कुछ मिक्स हो जाएगा, टेस्ट भी। और क्या चिल कर रहे हैं ये लोग भाई, मैं भी नीचे चलता हूँ थोड़ा सा, एक बार नीचे राउंड लगा के आते हैं रिवर पास में। ओए होए क्या जगह है, और ऐसे ही हम ऊपर चले जाएंगे अगर ऊपर जगह हुआ तो। तो अभी सी में ये बोट ले जाना अलाउड नहीं है, तो उसी कारण सारी यहाँ पे खड़ी है नीचे बोट। और जब रेनी सीजन ख़त्म हो जाएगा, सी ओपन हो जाएगा, तो फिर ये सारी बोट आपका सी में। ऊपर चलते हैं वापस भाई। तो हाँ, मैं बता रहा था कि जो हैदराबाद जगह है वो भी यहाँ के कमाल का फूडी एरिया है। वहाँ के लोग जो भी आते हैं हॉस्टल में कमाल के फूडी होते हैं,
तो यानी कि आपको नॉर्थ इंडियन खाना, साउथ इंडियन खाना, जो भी चाहिए टेस्टी चाहिए, हमारी तरह दिल्ली वालों की तरह स्पाइसी, और जो वहाँ पे लोग कहते हैं वहाँ पे जाने के बाद वज़न बढ़ जाता है, तो वो सब कुछ हैदराबाद मिलेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए हैदराबाद जाता हूँ केवल खाना खाने के लिए, फूड ट्रैवल के लिए। ओहो, ये जगह बहुत प्यारी लगती है मुझे, ये वाला बीच स्पेशली कैरी बीच। एक तो ये जो रोड है पूरा प्रॉपर, इसमें गांव वाला जो रियल गोन वाला फील है वो मिल जाता देखने को। और ज़्यादा होटल वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि टूरिस्ट बहुत कम आता है इस हिस्से में, और सबसे क्लीन बीच यही है और सबसे खूबसूरत मुझे यही लगता है नॉर्थ गोवा का बीच। और ये जो वेदर है प्योर गांव वाला फील वो यहीं पे मिलता है। और यहाँ पे जो लोग आता है फिर वो कहीं और नहीं जाता, यहीं पे रुक जाता है। अब जैसे कि फॉरेनर्स हैं, वो रशियंस हैं, वो आराम बोल रुकते हैं, तो वहाँ पे इतना इंडियन आने लगा है कि वो जगह गंदी हो गई है, तो उसके कारण वो अब दिन में यहीं पे आते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ अपना सनसेट के लिए बहुत ही प्यारी जगह पे, उसके बाद चलेंगे बीच में। तो यहाँ से जाता है, थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रेल है, उसके बाद ही हम पहुँचेंगे, वो है इस पहाड़ी के टॉप पे और एक फेवरेट स्पॉट है ये, प्योर ऑफ रोड ट्रेल है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी होते हैं ऑफ रोड के, बट वो सीजन में होते हैं कुछ दिनों के लिए, बाकी टाइम पे सब बंद और कोई नहीं आता यहाँ पे। एक आधा मेरे जैसे फक्कड़ बंदा ही आता है जिसको ये जगह पता है और मेरा फेवरेट है। यहाँ पे ऐसे ना आपको बिल्कुल रॉ ब्यूटी देखने को मिल जाती है गोवा के अंदर, नॉर्थ गोवा के अंदर ऐसी जगह जहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, और पक्षियों की आवाज़, अलग अलग तरह की आवाज़, वो सब ही कुछ देखने को मिलेगा। और रात को जो अगर आपके पास क्लियर स्काई है तो बहुत प्यारा स्टार्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि लाइट का कोई पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। फिर तो ऊपर से सी का व्यू भी बहुत प्यारा है, राइडिंग गियर्स के साथ यहाँ पे आओ मज़ा ही आ जाए। और ये है बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल प्लेन, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, और छोटे छोटे पॉन्ड भी मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये सारा पानी है, ये सारा पानी नीचे जा रहा है, स्वीट वाटर लेक जो बना है वो इसी पानी से बना है, ऊपर के जो टॉप पानी से। वो आगे से रास्ता है ये जंगल से, ये जो जगह नीचे जा रही है धीरे धीरे धीरे, यही स्वीट वाटर लेक बन जाता है इसी पानी जो ऊपर से आ रहा है। और आरंबोर का फेमस है स्वीट वाटर लेक, इस साइड ही चलता हूँ ट्रेल में, कहीं ना कहीं पकड़ लूँगा अपने बेस्ट पॉइंट को। और ये सारा जा रहा है स्वीट वाटर लेक में पानी। और ये बहुत लंबा ट्रेल है, पता ही नहीं चलता कब घूम फिर के कभी उसी रोड पे आ गया, कभी कुछ है, ख़त्म होने वाला है ही नहीं ये। ओहो, इसके बीच में बाइक चलाने में जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है, इंटरेस्टिंग। अब इसे भी क्रॉस करो, इधर आपका आरंबोल आ जाएगा, इधर मेरा कैरी बीच के लिए, और मेरे को इधर ही जाना है। यहाँ से बहुत प्यारा सनसेट देखने को मिलता है। अभी दूसरी जगह चलता हूँ, मेरी फेवरेट जगह पे। तो ये जगह है मेरी फेवरेट, जहाँ से रात को अगर स्काई क्लियर हो तो तारे बहुत अच्छे दिखते हैं, फिर मूनलाइट में ये जगह जो सी वेव्स हैं बहुत प्यारी चमकती हैं। और इधर कैरी बीच है, और इधर आपका आरंबोल और स्वीट वाटर लेक, तो ये टॉप पे है। और मैं कह रहा था कि हाँ, अगर आप दिल्ली वाले बंदे हो तो खाने के लिए जो हमारा टेस्ट है वो कहीं मैच नहीं होता, केवल हैदराबाद में मैच होता है। तो वहाँ पे जाने का प्लान कर रहा हूँ मैं कुछ दिनों में, केवल फूड ट्रैवल के लिए। पर ये जगह बहुत प्यारी है, मेरा फेवरेट स्पॉट है, यहाँ पे बैठो, सनसेट का व्यू बहुत शानदार होता है। और अब भी देखो थोड़ा 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 जो बादलों के बीच में से जो लाइट पड़ रही है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अभी जब रेनी सीजन होता है तो यहाँ पे केवल बरसात होती है, हर जगह वाटरफॉल होगा, हर जगह वाटर स्ट्रीम होंगी, तो वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। बट उस टाइम पे इतना बरसात होता है कि कैमरा लेके जाना, इवन गोप्रो को भी लेके जाना रिस्की हो जाता है। और अभी थोड़ा सा ऊपर ही राउंड लगाते हैं, फिर कैरी बीच चलते हैं जो कि सबसे क्लीनेस्ट और सबसे
और मेरा फेवरेट बीच है। तो इधर कैरी बीच है और इधर आपका आरंबोल और स्वीट वाटर लेक, तो ऊपर से वो जगह भी देख सकते हो आप। ये सारी जगह देखो क्या खूबसूरत है। कैंपिंग करनी हो, रात को आना हो घूमने के लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं। एक जगह थी, मैं भूल चुका हूँ कहाँ पे है, इतनी लंबी चौड़ी जगह ये, तो बहुत ही खूबसूरत थी और उसको ढूंढ रहा हूँ मैं। ऐसे किधर भी बाइक मोड़ दो, दूर दूर तक कहीं तो दिखेगा। ये तो गाय भैंसों की अड्डा बन चुका भाई। यार मेरी चप्पल फंस गया, गंदा भी हो गया, शुक्र है रब्दा टूटा नहीं है। और बाइक की हालत देखो कैसी हो गई है। अभी तक अच्छी खासी धूप निकली थी और अब हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और पता नहीं कब ये फास्ट हो जाए। और इस गांव की खूबसूरती का राज यही है कि कोई टूरिस्ट नहीं आता, तो लगभग अपने जो ट्रेडिशनल काम होते हैं वही लोग करते हैं। ये क्या खूबसूरत लग रहा है, इतने बड़े बड़े बायन ट्री हैं यहाँ पे, ये देखो और भी आएंगे। और यहाँ पे मंदिर हर जगह पे है, एक ही गांव में पता नहीं कितने कितने मंदिर हैं, और सब में ना संस्कृत के वो जो होता है म्यूजिक वो चलता रहता है। हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि ज़्यादातर वो फिल्मी गाने टाइप के वो चलते हैं, बट यहाँ पे संस्कृत के प्योर श्लोक से, और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये अंग्रेज लोग सफाई कर रहे हैं। हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में शो बहुत किया जाता है हर चीज़ का, यानी कि बच्चे का पैदा होने से लेकर मरने तक शोफ चलता है, और यहाँ पे शोफ नाम की चीज़ बहुत कम है। आप जैसे हो बस वैसे ही फुल एंजॉय कर रहा है नेचर का, हर चीज़ का। और शादियाँ यहाँ पे मंदिर में होती हैं, तो यानी कि जो फालतू खर्चा है वो भी नहीं होता। और अभी तक लो टाइड था, पता नहीं अब हाई टाइड ना बन गया हो क्योंकि बूंद स्टार्ट हो चुकी है। एकदम चेंज होता है मौसम यहाँ पे, ये कारण है कि मुझे ये वाला बीच बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो रास्ता है ना यही गजब है, और बीच भी बहुत शांत, बहुत क्लीन, बहुत साफ सुथरा। और ये जगह देखो, वाह कितना बड़ा, कितना खूबसूरत है। और मंदिर पता नहीं बहुत है यहाँ पे, ये देखो फूल खूबसूरती। फूल को छड़ के यहाँ पे आ गया, कलरफुल बंदे होते हैं ये बहुत। आरंबोल बहुत कलरफुल है, हिप्पी लोग हर तरह के लोग उधर बसते हैं, और इधर अब वो शांति के लिए आते हैं क्योंकि उधर बहुत भीड़ होने लग गई है, इंडियन बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं उधर। ये आ गया अपना कैरी बीच, अभी तक तो लो टाइड था बट अब हाई टाइड हो गया है शायद। और ये है मेरा फेवरेट बीच, बहुत शांति है, बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। और सेकंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कंपेयर हमेशा चलता रहेगा, और शायद हमारी सबसे गंदी आदत है कि हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं पर रुकते भी नहीं है। पर खाने के मामले में दिल्ली बेस्ट है यार, क्योंकि हम टेस्ट को प्रेफर करते हैं ओवर हेल्थ और भी बहुत कुछ, बट खाने के टेस्ट के मामले में दिल्ली बेस्ट है। और नेचर से हेल्थ के दृष्टि से देखा जाए तो साउथ बहुत प्यारा है, बहुत यहाँ के लोग बहुत आर्टिस्टिक हैं अगर हम कंपेयर करें, और बहुत क्रिएटिव हैं, कलरफुल पीपल हैं। बट नॉर्थ के पीपल शो ऑफ करना और खाने के मामले में नॉर्थ का कोई कंपेयर नहीं है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और सेकंड मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ कहाँ ना, क्योंकि कैमरा लेके बाहर निकलना बड़ा बोरिंग हो जाता है अपनी डेली लाइफ में, और मैं डेली व्लॉग बना नहीं सकता। और पूरे दिन के लिए बाहर निकलना तो सोचो
कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहाँ पे जाऊँ कहाँ पे ना जाऊँ। तो ये चल रहा है अभी, तो देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। अभी बाय, और प्लीज़ एक मुसाफिर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग थिंग आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। बाय, ठीक है।